बैटरी के अंदर की मटेरियल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कोई भी बैटरी में दो तरह की मटेरियल यूज की जाती है, एक होता है लिथियम आयन और एक होता है लिथियम पॉलीमर। तो दोस्तों, ये दोनों में जो मटेरियल है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। तो किसी भी चार्जेबल बैटरी में लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर इस तरह की मटेरियल यूज की जाती है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। तो दोस्तों, इस दोनों मटेरियल में जो लिथियम पॉलीमर होता है वो बेहतर मटेरियल होता है और ये महंगे मोबाइल जो यूज होती है, जो स्मार्टफोन्स, जो हाई प्राइस वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसकी बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जो सस्ते और लो बजट मोबाइल होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे LiOn बैटरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया इसकी बैटरी के अंदर LiOn मटेरियल डाला गया है जिसमें चार्ज स्टोर की जाएगी। तो चलिए एक और बैटरी में देखते हैं, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो LiOn 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये भी लिथियम आयन बैटरी है। और दूसरी बैटरी देखते हैं, एक और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है रिचार्जेबल LiOn बैटरी, ये भी लिथियम आयन बैटरी है। तो मोस्टली जो सस्ते फोन होती है उसमें इसी तरह का बैटरी यूज किया जाता है। ये बैटरी भी LiOn है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है ये बैटरी भी LiOn यानी कि ये भी लिथियम आयन बैटरी है। तो मोस्टली जो कम प्राइस वाले जो फोन्स होती है उसमें लिथियम बैटरी यूज किया जाता है और जो हाई प्राइस वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें LiPo बैटरी यूज किया जाता है। और सेम साइज की दो बैटरी हो तो LiOn अगर 1000 mAh स्टोर करेगा तो LiPo 1500 से लेकर 2000 mAh तक को स्टोर कर पाएगा। यानी कि सेम साइज की बैटरी LiPo है उसका जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है और जो LiOn है उसका जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे अंतर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो एक लिथियम आयन और एक लिपो बैटरी में, एक लिथियम आयन और एक लिथियम पॉलीमर बैटरी में जो मेन अंतर है वो मोर हीट और लेस हीट, यानी कि जो LiOn है उसको यूज करने पर ज्यादा गर्म होती है और LiPo कम गर्म होती है। तो जिस मोबाइल में लिपो बैटरी यूज की गई है उसमें हीटिंग का इश्यू कम हो जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी का पावर स्टोर करने का कैपेसिटी कम होता है और लिथियम पॉलीमर बैटरी का पावर स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। ये बैटरी मोटा होता है और ये बैटरी पतला होता है। उसके बाद मोर डिस्चार्ज रेट व्हेन आइडल, इस बैटरी को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो भी इसका जो चार्ज है वो घटता रहता है, लेकिन जो लिपो बैटरी है उसमें चार्ज घटने का रेट बहुत ही कम होता है। और लिपो बैटरी जो होता है उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होता है और LiOn बैटरी में उतना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं होता है। यानी कि इसको चार्ज करने में आपको 4 घंटे तक लग सकती है, लेकिन इसको आप आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, यही मेजर डिफरेंसेस है LiOn और LiPo बैटरी। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से हम जितने भी वीडियो इस चैनल पर डालेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देते। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बैटरी की प्रैक्टिकल और बैटरी की रिपेयरिंग की टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।